हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आई हूँ एक अलग सी रेसिपी जिसे खासकर बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत ही सॉफ्ट। ये बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट होता है। ये बहुत ही जल्द बन जाती है। तो आज की रेसिपी है ऑरेंज मूज केक। तो चलिए शुरू करते हैं किड्स फेवरेट ऑरेंज मूज केक। हमें मूज केक बनाने के लिए हमने लिया है 5 ऑरेंजेस। हमने इस तरह ऑरेंजेस को बहुत अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया है। अब हम इसे पील ऑफ करेंगे। तो छिलका उतार देते हैं इसका। हमने इस तरह छिल लिया है, बाकी ऑरेंजेस को भी छिल लेंगे। तो देखिए, हमने सारे ऑरेंज छिल के तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसके सीड को अलग करके इसे ग्राइंड कर लेना है। हमने सारे ऑरेंजेस को ग्राइंड कर लिया है। अब इसे एक छन्नी से छान लेंगे ताकि हमें क्लियर जूस मिले। तो इस तरह हम जूस निकाल लेंगे। देखिए, तो हमने सारे जूस निकाल लिए हैं। ये एक बाउल जैसा आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इसके लिए हमने यहाँ एक कढ़ाई ली है। इसमें हम डालेंगे 500 ml दूध। आधा किलो दूध हमने डाल दिया है। साथ ही ऐड करेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर को हम डाल देंगे और इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि कोई लंप्स ना रहे। तो कंटिन्यूअस इस तरह चलाएंगे और इसे मिक्स करेंगे। ध्यान रहे, हमने अभी गैस ऑन नहीं की है। गैस ऑन बिल्कुल मत कीजिए अभी। अब हम इसमें डालेंगे ऑरेंज जूस। तो अब सारी चीजों को अच्छी तरह पहले मिक्स करना है। तो इसे लगातार इस तरह चलाएंगे ताकि बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो गई है। इसमें हम डालेंगे अब शक्कर। शक्कर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हमने यहाँ 1 कप डाली है। तो इसे डाल देते हैं। ऑरेंज कैसी मीठी है उस हिसाब से आप शक्कर डालें। तो शक्कर को हमने डाल दिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे। तो गैस जला लेते हैं और फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम रखते हुए इसे कंटिन्यू चलाएंगे, नहीं तो कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाएगी। तो इसे लगातार इस तरह चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं ये थिक होने लगी है। हमें और थिकनेस चाहिए। तो इसे अभी और हमें चलाना है कंटिन्यू इस तरह, ताकि सारी चीजें बहुत अच्छी तरह पक जाए और ये थिक हो जाए। अब जब ये थिक होने लगी है तो इसमें हम डालेंगे बटर। हमने यहाँ 50 ग्राम ऑफ बटर डाल दिया है। बटर को भी इसमें डाल देंगे और इसे हल्के हल्के मेल्ट होने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सभी चीजों के साथ मिक्स होती रहे। तो इस तरह चलाते रहेंगे, हम कंटिन्यू चलाएंगे। हमें अभी और थिकनेस चाहिए। तो इसे लगातार चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये काफी थिक हो गई है। इस तरह ये बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गई है। अब हमें इस स्टेज में गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे थोड़ा सा सेटल होने देना है। हमें बिल्कुल ठंडा नहीं करना, हल्का सेटल हो जाए तब तक हम अपना कंटेनर रेडी करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ 2 कंटेनर लिया है जिसे अच्छी तरह से हमने बटर से ग्रीस कर दिया है। चारों तरफ अच्छी तरह से हम बटर लगाएंगे। कंटेनर ग्रीस हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे मूज मिक्सचर। तो हम इस तरह दोनों कंटेनर में बहुत अच्छी तरह से डाल देंगे। तो देखिए, हमने दोनों में डाल दिया है। अब हम इसे सेट होने के लिए रख देना है। हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। तो ये देखिए, बिल्कुल सेट होके तैयार है। देखिए, बहुत अच्छी तरह जम गया है। अब हम इसे डीमोल्ड करते हैं। तो उसके पहले थोड़ा सा हम चाकू से इस तरह हम साइड से इस तरह अलग कर लेंगे ताकि ये बहुत आसानी से निकल जाए। तो हम इसे डीमोल्ड करते हैं। तो देखिए, हमने इसे डीमोल्ड कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा
डेकोरेट कर देते हैं। तो इस तरह चारों तरफ से कुछ ऑरेंज इस तरह रखेंगे और बच्चों की फेवरेट मिक्स फ्रूट जैम, उससे हम इस तरह डेकोरेट कर देते हैं। तो हो गई बिल्कुल तैयार। लीजिए, हमारा मूज केक तैयार है। हम इसे काट के दिखाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी बनती है ये केक। आपने अगर अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है तो एक बार जरूर ट्राई करें। देखिए, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी, तो बच्चों के बहुत पसंद आने वाली है। दूसरा मोल्ड भी आपको डिमोल्ड करके दिखाते हैं। बच्चे अगर खाने के लिए हड़बड़ी कर रहे हैं तो इस तरह मिल्क पाउडर से आप गार्निश करें, और बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट मिक्स फ्रूट जैम, उसे इस तरह गार्निश करके बस बच्चों को परोस दें। देखिए, बिल्कुल ही यमी ऑरेंज मूज केक तैयार है। इसे एक बार जरूर ट्राई करें, आप सबको बहुत पसंद आएगी। इस विंटर इसे ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलूंगी फिर मैं कोई नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।